मैं हूं प्रोजेक्टर वाला और आज मैं हाजिर हूं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मुझे काफ़ी लोग मतलब के कमेंट्स या फिर मैसेजेस वगैरह करते थे कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो अब हमारा प्रोजेक्टर का क्या, हम प्रोजेक्टर से मतलब कि हमें क्या फ़ायदा प्रोजेक्टर से जब लैपटॉप ही नहीं है। सारी बात है कोई चीज़ चाहिए होगी कनेक्ट करने के लिए, उनके लिए आज चीपेस्ट सोल्यूशन लाए हैं हम। वो है हमारे पास होते हैं कोई, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, अब हम उधर उन पर उनके साथ जाके शॉप पर उनसे पूछेंगे जिनके पास होगा। ये डिवाइस ही होती है जो आपके फ़ोन को जो है प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट कर देती है। तो आइए चलते हैं वी सेंटर और पता करते हैं इस डिवाइस की प्राइस क्या है और इसकी क्या मतलब के स्पेसिफिकेशन है और किस तरह काम करती है, किस तरह वर्क करती है। तो लेट्स गो। सलाम अलैकुम अजीम भाई। वालेकुम अस्सलाम, बड़े दिनों बाद आए हो। बस अजीम भाई, आपको तो हमारी जरूरत नहीं, आपके पास वैसे ही माशाल्लाह बहुत क्लाइंट होता है। अच्छा अजीम भाई, आज जो है ना एक हम ना आपके पास व्यूअर्स का जो है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम लेके आए हैं। क्या प्रॉब्लम? काफी दिनों से ना मुझे मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं कि ना हम प्रोजेक्टर कैसे किसके साथ कनेक्ट करें, हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है कनेक्टिविटी के लिए। वो किसी तरह कोई तरीका है कि फोन मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाए? बिल्कुल तरीका है, और जो लोग अभी वायर पे यूज कर ले वो भी वायरलेस पे कन्वर्ट हो सकते हैं। अच्छा, उनकी मर्जी है, मतलब वायरलेस करना चाहें। उसके लिए हमें लगानी पड़ेगी एक डोंगल। पहले अच्छा। तो हमें लेना पड़ेगा एक HDMI वाला प्रोजेक्टर। हाँ जी। उसके साथ लगेगी ये डोंगल। हाँ जी। ये 2500-3000 रुपए की डोंगल है। ठीक। ये आपके मोबाइल की कनेक्टिविटी कर देगी। ये इसका जो प्लस पॉइंट मुझे लगता है ना, ये आईफोन के साथ भी कनेक्ट हो जाती है। अच्छा। इसमें एयरप्ले मोड होता है, क्योंकि ज्यादा इशू ये आता है कि आईफोन जो है ना अपना डिस्प्ले शेयर नहीं करता। हाँ। ये आईफोन के साथ भी कनेक्ट हो जाती है, मोबाइल के साथ, एंड्रॉइड के साथ भी हो जाती है, और आपके लैपटॉप के साथ भी हो जाएगी। डेमो दिखा देंगे हमें, इसका डेमो आपको जरूर करवा देते हैं। यार ये प्रोजेक्टर तो पकड़ाऊंगे, ये दिखा दो, आपसे नहीं दिखा दो। अगर प्रोजेक्टर में USB पोर्ट हमारे पास होना तो बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि पावर की यहीं से ले लेगा। हमें एक्सटर्नल अडाप्टर नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे लैपटॉप उसके लिए मोबाइल के लिए लगाना पड़ता है, हमें वो नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये मैंने डोंगल खोली है, इसके अंदर से ये एक पावर केबल निकलेगी, ये USB है। हाँ। ये आपकी USB पोर्ट में लग जाएगी। ये एंड्रॉयड वाली केबल है, Type B इसको कहते हैं, ये इसको लग जाएगी। ये हम इसके अंदर लगा देंगे। इसके अंदर अपना वाईफाई है। अगर अच्छा, वाईफाई है इसके अंदर, अपना वाईफाई है। लेकिन अगर प्रोजेक्टर में USB ना हो, फिर प्रोजेक्टर में USB नहीं होगी तो फिर जिस तरह मोबाइल को चार्ज करने के लिए अडाप्टर लगता है, वही अडाप्टर लगेगा, क्योंकि अडाप्टर USB जो पोर्ट होती है वो वैसे ही 5 वाट लेती है, इससे ज्यादा लेती नहीं है। अच्छा, तो मेरे से एक और सवाल है कि ये VGA to HDMI में जो कन्वर्टर आते हैं उसमें इस तरह लग सकती है ये कि HDMI में लग जाए? नहीं, वो कन्वर्टर एक तो पहले हमें लेना पड़ेगा, वो पावर वाला कन्वर्टर होता है। अच्छा। लेकिन वो ज्यादा देर चलता नहीं है, थोड़ा सा इशू करता है। अच्छा, अब ये मेरे पास इसका डिस्प्ले आ गया। हाँ जी। रेडी टू कास्ट है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक उसको पता चल गया कि लगी हुई है? वो तो प्रोजेक्टर ने सोर्स उठा लिया था, HDMI पे सोर्स उठा लिया। इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक एयरप्ले मोड की है, एक मीरा कास्ट की ऑप्शन। अच्छा, तो जरा कनेक्ट करके दिखा दें। अभी ये एयरप्ले मोड पे है, इसको हम कर लेते हैं मीरा कास्ट पे, या आप एंड्रॉइड से आईफोन से कर दो। आईफोन से करके दिखा दें, कर लेते हैं। एंड्रॉइड तो वैसे भी कनेक्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल लगता है ये काम, लेकिन इतना है नहीं है। ये आपके पास एंड्रॉइड फोन आ गया, इसके पहले हमने जाना है वाईफाई पे, क्योंकि एंड्रॉइड का तरीकेकार और है और इसका तरीकेकार और है। ठीक है। ये मेरा स्क्रीन आ रहा है, इसका पासवर्ड हमें सामने से मिलेगा। किधर लिखा है? अच्छा, ये ऊपर लिखा हुआ। ये देखेंगे कनेक्टिविटी हो रही है। अच्छा, ये अब आपका हमारा कनेक्ट हो गया वाईफाई। अब हमने क्या करना है, इसमें खोलना है ये एयरप्ले। हाँ। स्क्रीन मिररिंग के ऑप्शन आ रही होते कई जगह एयरप्ले, ये आपके पास मीरा स्क्रीन आ गया। ये इसको आपने करना है, ये कनेक्ट हो रहा है कि जैसे ही कनेक्ट होगा हमारा सामने डिस्प्ले आ जाएगा। बिल्कुल आ गया। ये लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये बिल्कुल इतना, ये देखें। हाँ। ये मोबाइल का डिस्प्ले ये सामने आता है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक हो गया, जैसे मर्जी इसको यूज करें।
ज्यादा लोगों का इशू यही होता है कि आईफोन से नहीं हो रहा। यूट्यूब पे हम चला लेते हैं, बिल्कुल चला लेते हैं। ये दिखाएं फोन पे अपना जरा, ये अब साउंड इसमें से साउंड भी आके साउंड साउंड भी प्रोजेक्टर से आएगा। ये तो बड़ा बेस्ट हो गया जी। तजीम भाई ये बता दें एंड्रॉइड से किस तरह कनेक्ट होगा? एंड्रॉइड से तो कनेक्ट करना इससे भी ज्यादा आसान है। अच्छा। उसके लिए आपको कोई वाईफाई कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। सिंपल आपके पास एंड्रॉइड में ऑप्शन होगी स्क्रीन मिलने की या स्मार्ट व्यू की। अच्छा। उसको जाके ऐप को ओपन करें और ठीक हो गया। तो इसकी जरा प्राइस बता दें और बता दें जरा लोगों को कि आपकी शॉप किधर है। नंबर तो लिखा आ रहा होगा यहाँ पे, ये शॉप भी एक्सप्लेन कर दें जरा किधर है और ये कहाँ से आप कितने की और किधर से खरीद सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने आपको बताया है 2500-3000 की डोंगल है। अच्छा। और फी सेंटर में मेरी दुकान है। अच्छा। फी सेंटर गुलबर्ग में है, कलमा चौक के पास। मतलब आप लाहौर में रहते हैं और आपको फी सेंटर का नाम पता हो ये तो पॉसिबल नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी हब ये अकाउंट होती है। बेसमेंट में दुकान है, LG 62 इसका नंबर है, लोअर ग्राउंड 62 नंबर, क्रिस्टल लाइट टेक्नोलॉजी। वैसे आप गूगल पे भी लिखेंगे क्रिस्टल लाइट टेक्नोलॉजी तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा कोई तरीका वायरलेस करने का? हाँ। कुछ तो प्रोजेक्टर्स के अंदर बिल्ट इन वायरलेस आता है। अच्छा। लेकिन वो बहुत हाई एंड मॉडल है, जैसे पैनासोनिक में आता है उसका मॉडल 4-5N आता है, 430N आता है। हाँ। इस तरह के मॉडल आते हैं, कुछ एप्सन के प्रोजेक्टर हैं जिनमें आती है। और अगर आप सस्ता सोल्यूशन चाहते हैं तो इससे अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है जिसमें आप वायरलेस कोई वो नहीं होता। एंड्रॉइड बॉक्स लगा लें, लेकिन एंड्रॉइड बॉक्स का ये है कि उसमें आपको स्क्रीन मिलिंग की ऑप्शन तो मिल जाएगी, साथ आपको एंड्रॉइड सारा को मिलेगा, लेकिन वो एक्सपेंसिव है। वो 5000-6000 से चाइना वाला स्टार्ट होता है। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, उसमें भी 10,000 के करीब आता है। अब कहाँ 10,000 और कहाँ 2500 में आपका मोबाइल कनेक्ट हो रहा है, तो बड़ा फर्क है। ठीक। तो अगर आपने इनसे ये खरीदना है, ये जो होती है ऐसे, इसका नाम क्या कहते हैं ऐसे? ये इसका नाम है एनीकास्ट। मीरा कास्ट ये इस नाम के साथ आती है। M9 कास्ट हो गया, एनीकास्ट हो गया, मीरा कास्ट हो गया। ठीक है। बाकी ये डोंगल भी आपको मिल जाएगी, प्रोजेक्टर तो आपको पता ही है हमारे पास। ठीक हो गया। चलें जी भाई, नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।